हम लोगों ने, आपको याद होगा, फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस कर लिया था और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम तक हमने पढ़ा था। तो अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर लें। कोई एक स्टूडेंट जो है वो अनम्यूट कर ले ताकि मुझे आपकी आवाज आती रहे। सर जी बेटा, सर ये इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर कब तक मिल जाएगी? सर मैंने बताएंगे आपको, क्योंकि उनके पास एक्सेस होती है, ओके हमारे पास नहीं होती है। ओके सर ठीक है। ठीक है, ये और किसी को बात पूछनी है तो पूछ लें, ताकि फिर मैं बात अपना लेक्चर शुरू कर लूं। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पहले पूछ लीजिएगा। किसी तरह से कोई, किसी ने बात पूछनी है तो आप पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि आप मतलब किस पैटर्न से स्टार्ट करवा रहे हैं? आप कोर्स कंटेंट्स जो है वो हमारे पिफा के अकॉर्डिंग स्टार्ट करवा रहे हैं लेक्चर, या किस लिहाज से आप पढ़ा रहे हैं? जी पिफा के जो कंटेंट उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। नहीं, अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं हाँ जी 3 लेक्चर आई गेस, मुझे एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन आई गेस 3 हो गए। सर। काइंडली आप ये बता सकते हैं कितने मतलब हो चुके हैं कंटेंट्स आपने पढ़ा टॉपिक लिए हैं? टॉपिक जी कंटेंट्स मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बताए हैं, नीड एंड वांट्स वाला, जी। और एक सेकंड दीजिए। मैंने इसको ज्वाइन किया वहां पे। जी इधर आप बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी प्लीज? जी सर, आ रही है। जी ओके काइंडली मुझे जो आईटी टीम है वो इसमें होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है, तो स्क्रीन शेयरिंग अगर आप एनेबल कर देंगे तो मैं स्टूडेंट के साथ स्क्रीन भी शेयर कर पाऊंगा। प्लीज थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपको मेरी आवाज और व्यू और स्क्रीन क्लियर है आप सबको? जी सर, यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं मैडम, उसके अलावा हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट किया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक सिस्टम्स, एंड इस्लामिक मॉड ऑफ फाइनेंस, ये किया जी अभी तक हमने। जी थैंक यू सर। आज हम शुरू कर सर रहे हैं मार्क। जी, सर आप थोड़ा ये रिव्यू कर सकते हैं? नहीं अभी तो सर, चूंकि आज टाइम वैसे ही कुछ गुजर गया 10-15 मिनट, अब तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, क्योंकि वो टाइम शॉर्ट है, इसकी फिर दिन देखेंगे। टाइम वैसे भी मैं बता दूं, फिफा में टाइम बड़ा लिमिटेड सा होता है, आप लोगों को अपने रेगुलरिटी मेक श्योर करना होगी। और सेकंड बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये इसमें कि आपको अपने लेक्चर नोट्स मेक श्योर करना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट फोर्सेस। इकोनॉमिक्स में दो मार्केट फोर्सेस होती हैं, वन इज डिमांड
एंड सेकंड इज प्लांट. डिमांड साइड पे इकोनॉमिक्स में डिजायर प्लस परचेजिंग पावर इकोनॉमिक्स में याद रखें, इसको हम डिमांड कहते हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम किसी प्रोडक्ट की डिजायर करें और हमारे पास उसकी परचेजिंग पावर भी हो, हम इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड बोल देते हैं. इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है उसको क्यूडी कहा जाता है. क्वांटिटी डिमांड is a function of price income यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड की बात करेंगे तो वो डिमांड का जो डिमांड है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है. इसी एक है ऑन प्राइस. क्यूडी दोबारा बताइएगा. क्यूडी मीन क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी डिमांड ऑन प्राइस कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट्स इनकम और पॉपुलेशन. इसको आम जुबान में कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अपनी प्राइस से भी इफेक्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस से भी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स से भी होती है, इनकम से भी होती है और पॉपुलेशन से भी इफेक्ट होती है. किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मुख्तलिफ चीज़ों से इफेक्ट होती है. लेकिन आपने इकोनॉमिक्स में इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना. ये जो बात बताने लगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. फैक्टर्स ऑफ डिमांड फंक्शन. तो दो फैक्टर हैं, दो तरह के फैक्टर हैं. एक है ऑन प्राइस और एक है जरा चैट में एक बात का रिप्लाई कर दें. ट्रांसपेरेंस अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अपनी प्राइस चेंज करे तो
अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्राइस चेंज करें तो प्रोडक्ट की उसके जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में कोई इफेक्ट आएगा? आएगा अगर सब्स्टिट्यूट सीएनजी की प्राइस चेंज हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड भी तो चेंज होगी ना? अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस चेंज हो, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर डिमांड चेंज होगी? लाइक इलेक्ट्रिसिटी और एसी, अगर बिजली महंगी होगी तो एसी की डिमांड पे कोई इफेक्ट आएगा? बताइए, अगर बिजली महंगी हो जाए एसी की डिमांड पे कोई इफेक्ट आएगा? लोगों की इनकम चेंज हो जाए तो फिर कोई इफेक्ट आएगा? अगर आबादी में तब्दीली आ जाए तो फिर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आएगा? इन सब को हम क्या कहते हैं? अदर फैक्टर्स। ये बात जरा गौर से सुनिएगा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप होता है। अभी बताऊंगा कैसे डेवलप होता है क्वेश्चन। इन्हें कहते हैं अजान। सुन ले फिर आप भी, मेरे करीब तो बहुत ऊंची अजान है। आप जरा बताएं, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट एज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। अब आप मुझे बताएं, अगर अदर फैक्टर जो भी हमने डिस्कस किए ये वाले, अगर ये फैक्टर चेंज ना हो और सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो, बताएं, तो बीइंग बायर आप इनकरेज होंगे या डिस्करेज होंगे? बीइंग बायर आप इनकरेज होंगे डिस्करेज? डिस्करेज।
इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट की इनकम होगी, एंड तो अगर प्राइस कम हो जाए तो बीइंग बायर आप इनकरेज होंगे डिस्करेज होंगे? आप इनकरेज होंगे, इनकरेज से क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। एग्री करते हैं इस बात से ना, इस बात से एग्री करते हैं ना आप लोग? इसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? अभी मैंने बताया ना आपको, फर्ज कर लें प्राइस 2, 4 और 6 हो जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए तो बायर इनकरेज होगा डिस्करेज होगा? बताइए, वो इनकरेज होगा डिस्करेज होगा? प्राइस के बढ़ने से बायर इनकरेज होगा या डिस्करेज? डिस्करेज होके वो कम बाइंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट और इनवर्स? क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट और इनवर्स? यस, नेगेटिव यानी के इनवर्स। देखें इधर तवज्जो से देखें, अगर प्राइस डिमांड ये हो, हमने क्या सीखा अभी कि प्राइस डिक्रीज होने से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। साथ जब प्राइस कम होती जाएगी जो जो प्राइस कम होती जाएगी ऐसे ऐसे ही जो डिमांड होगी वो बढ़ती जाएगी। बोलिए, प्राइस कम होती है तो डिमांड नहीं बढ़ती जाएगी? बताएं, प्राइस कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, इज़न्ट? रिप्लाई चैट में रिप्लाई करते जाए ना साथ साथ, मुझे भी आइडिया हो जाए कि कहां चल रही बात। इसे बोलेंगे डिमांड कर्व,
बोलेंगे, डिमांड कर्व जो इधर को जा रहा है, क्या हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का बढ़ना। डिमांड का इंक्रीज होना, डिमांड का बढ़ना। और अगर ऑपोजिट किया जाए, ऑपोजिट में देखें क्या चल रहा है, आप प्राइस जितनी ज्यादा करते जाएंगे डिमांड उतनी कम। याद रख लें, कम होने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप, यस और नो। बोलिए जी, नेगेटिव स्लोप है, यस और नो। By negative slope of demand curve. Number one, yaad rakhiye substitution effect. One. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, इसका क्या मतलब है, एज प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, this is because x becomes relatively cheaper सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो इसके सब्स्टिट्यूट होते हैं उसके लिहाज से ये प्रोडक्ट क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। इसके सब्स्टिट्यूट के लिहाज से ये प्रोडक्ट सस्ती हो जाती है तो लोग इधर आना शुरू कर देते हैं।
दूसरी वजह क्या होती है, परचेजिंग पावर फॉर एक्स इंक्रीजेस। लोग जहां 100 रुपए में पहले 10 चीजें खरीद पा रहे थे, अब उसी 100 रुपीज में पीपल कैन बाय मोर देन 10, क्योंकि प्राइस कम होने से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ये 2 पॉइंट समझ आए आप लोगों को? बताइए, पॉइंट समझ आए ना? कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? जी, एक्स कोई मतलब प्रोडक्ट है जी, ए बी सी, फूड, नॉन फूड, व्हाटएवर, एक्स इज अ प्रोडक्ट। यानी कि जब एक्स प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है if demand for product changes without changing its price, it is due to other factors and called rise and fall in demand. Rise and fall in demand. देखिए, मुझे आप तमाम स्टूडेंट साथ साथ जरा रिप्लाई कर दिया करें चैट में। मुझे एक बात बताएं, अगर तो 2-3 दिन मुसलसल बारिश हो जाए, ठंड दोबारा बढ़ जाए, तो लोग फिर भी स्वेटर जैकेट परचेज करेंगे नहीं करेंगे? अगर वेदर चेंज हो जाए, अगर इनकम चेंज हो जाए, या इस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए प्राइस के अलावा, क्या डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि प्राइस बढ़ेगी तो तभी डिमांड बढ़ेगी, किसी और वजह से भी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। फर्ज कर लें आपकी प्राइस थी पी नॉट और क्यू डी थी नॉट। अब अगर फर्ज कर लें प्राइस उतनी ही रहे और डिमांड किसी और वजह से बढ़ जाए, डिमांड किसी और वजह से बढ़ जाए,
इसे कहेंगे राइज इन डिमांड, क्या बोलेंगे? ये किस वजह से बढ़ी है? किसी और वजह से, प्राइस के अलावा। और मौसम चला जाए, मौसम बदल जाए, जरूरत कम हो जाए उस प्रोडक्ट की, तो डिमांड कम हो जाती है। इन्हें कहते हैं फॉल इन डिमांड। क्या कहते हैं? फॉल इन डिमांड। ये है राइज इन डिमांड एंड फॉल इन ओके तो ये याद रख लें, राइज एंड फॉल और शिफ्ट इन डिमांड इज ड्यू टू ये पॉइंट समझ आया सब स्टूडेंट्स को? बोलिए। जी तमाम स्टूडेंट रिप्लाई किया करें कि यहां तक ये जो पॉइंट है वो मैं जो समझाया वो समझाया, राइज एंड फॉल क्यों होता है, कैसे होता है, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। अच्छा अब जरा तवज्जो से देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखिए, एक बात मैं बताने लगा हूँ। ये देखें ध्यान से, देखें प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, इधर प्राइस वही रही, और डिमांड बढ़ गई। फर्क समझ आ रहा है दोनों पॉइंट्स में? ए साइड पे क्या हुआ है कि प्राइस कम हुई और डिमांड इंक्रीज हुई, एक तरफ क्या हुआ प्राइस वही रही और डिमांड इंक्रीज हुई। इस इंक्रीज को बोलते हैं एक्सटेंशन और इसको कहते हैं राइज। और इधर देखें
प्राइस के कम होने ज्यादा होने से डिमांड कम हुई, प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कम हुई, इसे कहेंगे डिमांड कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन यहां प्राइस वही है और डिमांड कम अगर हो जाए ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इसे क्या कहेंगे, फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड। फर्क क्या हुआ, इट्स ड्यू टू ऑन प्राइस, इट्स ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ये हाँ जी, बताया, समझ समझ आई यहां तक? यहां तक समझ आया पॉइंट्स? ये मैंने डिटेल के साथ दोबारा बता दिया सारा कुछ। ओके सप्लाई जो है, सप्लाई ये दूसरी साइड है, दूसरी मार्केट फोर्स के नाम शुरू होते हैं। दो मार्केट फोर्सेस हैं, एक है डिमांड साइड और एक है सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड जो है, तो ये याद रखें, जो डिमांड साइड होती है बड़ा, ये सारे याद रखें, ये बायर की साइड होती है। डिमांड हमेशा बायर की साइड से आती है, सप्लाई जो है या फर्म की साइड से आएगी। सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर या फर्म की साइड से आती है। इसलिए इसमें क्वांटिटी सप्लाई का वर्ड यूज होगा, मतलब एक तो इसका प्राइस से ताल्लुक होगा, टेक्नोलॉजी से होगा, टैक्सेस से होगा, सब्सिडी से होगा, वेजेस के साथ होगा, ऑयल की प्राइसेस के साथ होगा,
और रॉ मटेरियल के साथ होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को ये तमाम चीजें चाहिए होती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये तमाम चीजें चाहिए होती हैं। अगर तमाम स्टूडेंट मुझे रिप्लाई कर दें फौरन, बताएं अगर अदर फैक्टर्स टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, टैक्स चेंज ना हो, सब्सिडी चेंज ना हो, वेजेस चेंज ना हो, ऑयल प्राइसेस चेंज ना हो, रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज ना हो, और मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए, यानी कि आप कोई चीज बेच रहे हैं, लोग उसकी ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार हैं, लोग उसकी ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार हों, तो आप इनकरेज होंगे या डिस्करेज होंगे बीइंग अ प्रोड्यूसर? बीइंग अ प्रोड्यूसर तो आप इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे। और अगर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोग उसकी हाई प्राइस देने को तैयार ना हो, प्राइस कम ऑफर करें, तो आप इंकरेज होंगे डिस्करेज होंगे? बीइंग ए प्रोड्यूसर आप इंकरेज होंगे डिस्करेज होंगे? करेंगे ज्यादा करेंगे लेस, और से आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग भी ज्यादा इंकरेज होंगे, प्रोड्यूसर जो होगा बेचने वाले जो होंगे वो इंकरेज होंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, सप्लाई इंक्रीज करेंगे। देखें लेकिन क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई जो होंगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होंगी। पॉइंट समझ आ गया तो? अब आपने मुझे रिप्लाई करना है। वही जो भी मैं बताना था, अगर अदर फैक्टर्स हो जाएं, अगर अदर फैक्टर्स चेंज हो जाएं तो ये अदर फैक्टर्स अगर चेंज हो जाएं क्या होगा, प्राइस वही है, प्राइस चेंज हो जाएगी। इसे राइजिंग सप्लाई कहेंगे। वैसे फॉरेन सप्लाई कहेंगे। बताइए पॉइंट समझ आए आप लोग? तमाम स्टूडेंट्स को ये पॉइंट समझ आए? ठीक है, यहां से फिर इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे, कल यहां से कंटिन्यू करेंगे हम। आईटी टीम काइंडली इनको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो जरूर अपलोड कर दिया करें। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है बाद में रिवाइज करने के लिए, तो आप काइंडली इनको जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जरूर शेयर कर दिया करें। और तमाम स्टूडेंट्स जब आप रिकॉर्डिंग्स देख लिया करेंगे तो जो आपके क्यूरीज होंगी, जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आप नोट कर लिया करें। नोट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इनिशियली आप मुझसे पूछ लिया करें कि सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग देखा करें, रिकॉर्डिंग के बाद अपनी क्यूरीज को नोट कर लिया करें और उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला फिर अगले दिन पूछ लिया करें। चलो अल्लाह हाफिज़।